रहना या किसी मुसलमान के घर में पैदा हो जाना ये ईमान की निशानी नहीं है, बल्कि ईमान की निशानी ये है कि वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान की निशानी ये है कि ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल हो जाता है, और जब तक दिलों में दाखिल नहीं हुआ उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हुए। व इन तुतीउल्लाह व रसूलहू ला यलितकुम मिन आमालिकुम शैआ, अगर तुम अल्लाह के और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करोगे, अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करोगे, अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करोगे, जिन कामों का उन्होंने हुक्म दिया उन कामों को दिलो जान से कबूल करके तुम करोगे, जिन कामों से उन्होंने रोक दिया उन कामों को दिलो जान से तस्लीम करके उन कामों से तुम रुक जाओगे, फरमाया ये है अताअत। जब तुम ये अताअत इख्तियार कर लोगे कि तस्लीम और रजा के साथ, खुशी और रजा के साथ जब हुक्म किए गए काम करोगे और मना किए गए कामों से रुक जाओगे, ये निशानी है कि ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल हो गया है, अब तुम ये दावा कर सकते हो कि हम मोमिन हो चुके हैं। गोया जब तक ईमान दिल में दाखिल नहीं हुआ, और ईमान दिल में दाखिल होने की निशानी क्या बयान फरमाई, इन तुतीउल्लाह व रसूलहू, जब तुम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करोगे, जब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत इख्तियार नहीं करते उस वक्त तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हो सकता। और जिन्हें हम अपनी उर्फ आम में बे ईमान कहते हैं, बे ईमान होता ही वो है जो हजूर की अताअत से रूगर्दानी कर ले, किसी दिए गए किस काम के करने का हुक्म है और वो काम नहीं करता, वो बे ईमान है, बे इस्लाम नहीं है, बे ईमान है, बे इस्लाम नहीं है। हो सकता है वो कलमा पढ़ता हो, गुनहगार जरूर होगा, मगर दायरा इस्लाम से खारिज नहीं हो गया, वो बे ईमान है। जिस काम का हुक्म दिया गया और वो काम नहीं करता, वो मुसलमान तो होगा लेकिन मोमिन नहीं होगा। और जिस काम से रुकने का हुक्म किया, अगर कोई आदमी वो काम इख्तियार करता है और हुक्म के खिलाफ चलते हुए उस काम से रुकता नहीं बल्कि उसे इख्तियार करता है, वो भी बे ईमान है, मगर बे इस्लाम नहीं है, बे ईमान है। इसी तरह आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार आकामात और फरमाए, जो कि इब्ने अबी शीबा ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उस हदीस को रवायत किया, और इब्ने अबी हातिम ने हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उसे रवायत किया, और हजरत कतादा फरमाते हैं कि मैंने ये बात हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु से सुनी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के ज़िमन में कि वला तक्रबु ज़िना इन्नहु काना फाहिशतन वसा सबीला, कि अल्लाह ने जिसमें यह फरमाया है कि बेशक तुम लोग जिना के करीब मत जाओ, जिना के करीब से न गुजरो, क्यों कि यह फहाशी है और बहुत ही बुरा रास्ता है। इस आयत के तहत आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यकूलु ला यज़्निल अब्दु हीन यज़्नी व हुवा मुमिनुन, कोई भी जानी हालत ईमान में जिना नहीं करता, यानी जब वो इस जिना करता है तो वो हालत ईमान में नहीं रहता, ईमान से खारिज हो जाता है, हालत ईमान में नहीं रहता जानी। फिर फरमाया वला यंतहिबु हीन यंतहिबु व हुवा मुमिनुन, जब कोई किसी का माल छीनता है, कोई किसी के माल पे गसब लगाता है, कोई किसी के माल पे डाका जनी करता है, कोई किसी के माल पे नाजायज तरीके से काबिज हो जाता है, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता जब वो किसी का माल छीनता है या किसी का माल गसब करता है। इसी तरह फिर आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला यसरिकु हीन यसरिकु व हुवा मुमिनुन, कोई चोर जब चोरी करता है वो हालत ईमान में चोरी नहीं करता,
وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, کوئی بھی شخص جب شراب پیتا ہے, وہ جب شراب پیتا ہے تو حالت ایمان میں نہیں رہتا, وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے جب کوئی شراب پیتا ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ان کنا لنرا انہ یأتی ذلک وہو مؤمن, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دیکھیں کسی شخص کو جو خود کو مومن کہلاتا ہے لیکن ان کاموں میں سے کوئی کام کر رہا ہے, یا وہ زنا کر رہا ہے, یا وہ کسی مومن کا مال چھین رہا ہے, یا وہ چوری کر رہا ہے, یا وہ شراب کر رہا ہے, اور لیکن وہ اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے, اس کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعل شیئا من ذالک نزع الایمان من قلبہ, کہ جب بھی تم کسی مومن کے دعویٰ کرتے ہوئے کسی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھو تو یہ یقین کر لو کہ اس کے دل سے اللہ نے ایمان کو سلب کر لیا, اس کے دل سے اللہ نے ایمان کو سلب کر لیا ہے. کون کون سے چار احکامات؟ جو شخص زنا کرتا ہے, جو شخص کسی کا مال ناحق چھینتا ہے, جو شخص چوری کرتا ہے, جو شخص شراب پیتا ہے, اس لیے کہ یہ چاروں احکامات اللہ نے اپنی کتاب میں منع کر دیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں منع کر دیے. اب جو شخص بھی کتاب سے انحراف کرتا ہے, سنت سے انحراف کرتا ہے, کتاب کی نافرمانی کرتا ہے یا سنت کی نافرمانی کرتا ہے, آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کو سلب کر لیتا ہے, اس کے دل سے ایمان کو نکال دیا جاتا ہے. اور اس میں جو پہلا حکم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَزْنِ الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, کہ کوئی زانی اس وقت تک زنا نہیں کرتا جب تک وہ حالت ایمان میں ہوتا ہے, لیکن جب وہ حالت ایمان سے نکل جاتا ہے پھر وہ زنا کرتا ہے, یا جب وہ زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان اس سے سلب فرما لیتے ہیں.